सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं लेके आया हूं एक धमाकेदार वीडियो आप सबके लिए। तो आज हम सीखने वाले हैं हैमर मशीन। हैमर मशीन में हमारी प्रेशर नहीं आ रहा है। 220 की हैमर मशीन है ये, 20 mm की। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं चलाकर कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अंदर गेयरबॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों साइड एक जैसी ही चल रही है, सादी चल रही है। एक साइड हम ने नाप इधर घुमा देते हैं तो सादी चलने लगती है, एक साइड हमारे दीवार में होल करने के लिए चलती है ये। तो अभी हम इसको ठीक करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंदर बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सब गाइड करने वाला हूं मैं। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, एक माइनस वाला पेचकस ले लेना है, इसकी नॉब बाहर निकाल लेना है पीछे से ऐसे रख के। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे से एक ऐसा रखना है और किसी चीज़ से मारना है, हैमर से मार लेना या आप किसकी क्या कहते हैं इसकी, सबसे पहले नाप बाहर निकाल लेना है। तो इसके अंदर आपको एक झटकार का आप बाहर निकाल सकते हैं, इसके अंदर बॉल लगी रहती है एक, जो इसको सादी और हैमर करने के काम आता है। ये बॉल आपको संभाल कर रखना है, तो नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये आपको ज़रूर लगाना है। तो आपको फिर उसके कर लेना है, आपको इसको नीचे सरकाना है इसके माउस को। तो आपको इसके ऊपर की रबड़ निकाल लेना है, माइनस वाला पेचकस लेना है, एक पतला माइनस वाला पेचकस लेना है, इसको ऊपर से उचकाकर इसकी रबड़ इसकी बाहर निकाल लेना है माउस पे से। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर का माउस किट पूरी बाहर निकालेंगे। इसके अंदर आपको एक लॉक लगा हुआ दिख रहा होगा, ये एक आगे देख सकते हैं आप, ये लॉक लगा हुआ दिख रहा है आपको। मैं दिखा देता हूँ आपको, कैमरे में जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं कैसा लॉक लग दिख रहा है आपको। ये देख सकते हैं, ये बॉल दिख रही है ना, उसके ऊपर जो लॉक दिख रहा है आपको इसको सेंटर में लाना है और इधर जहाँ एक डी टाइप बना होगा वहाँ पर लाकर आपको इसके अंदर माइनस वाले पेचकस से इसको ऊपर साइड दबाना है, तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने वीडियो में जैसे दिखाया आपको, ये देख सकते हैं लॉक ये है। तो ये लॉक को हम साइड पर रख देते हैं। सब आपको सामान संभाल कर रखना है, अगर एक भी सामान घुमा तो आपको पूरी माउस किट ही चेंज करना पड़ेगी। ये स्कॉपर का वाशर है, तो इस वाशर को भी हटा देते हैं। ये देख सकते हैं ये ऊपर नीचे होता है, ये हमारे बिट रोकने के काम आता है। ये बॉल होती है इसके अंदर, ये बड़ी बॉल होती है, इसकी माउस किट में लगी रहती है। अगर ये घूम गई तो आपको पूरी माउस किट चेंज करना पड़ेगी, अगर ये बॉल घूम गई तो। अब इसको क्या करते हैं, बिल्कुल साइड में रख देते हैं संभाल कर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की वाशर और स्प्रिंग लगी रहती है, वो भी हम निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके चारों स्क्रू खोलेंगे, गियरबॉक्स के ऊपर के हेड के चारों स्क्रू खोलेंगे। तो जब तक हम इसके स्क्रू खोल रहे हैं माइनस वाले पेचकस से, तो आप इसकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी इस चीज़ का काम करना चाहते हों, और अगर इस चीज़ से माध्यम से सीखना चाहते हों तो उनको आप इस चीज़ को नॉलेज दे सकते हैं। अब आपको निकाल लेना है, इसका ऊपर का हेड निकाल लेना है माउस पर मारकर, हल्का सा हैमर से मारकर इसकी माउस को बाहर निकाल लेना है, इसके हेड को, ब्लैक हेड को बाहर निकाल लेना है। ये देख सकते हैं मैंने बाहर निकाल लिया है चारों स्क्रू खोलकर। ये देख सकते हैं इसके ऊपर का रैचेट, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसकी पिन बाहर निकाल लेना है, जो शाफ्ट पर लॉन्ग शाफ्ट पर पिन लगी होगी वो उसको बाहर निकाल लेना है। इसके ऊपर एक नीडल बेयरिंग भी लगा रहता है। अब आपको क्या कर लेना है, इसका रैचेट बाहर निकाल लेना है। ये देख सकते हैं इसके अंदर पिस्टन फंसा हुआ है, स्ट्राइकर, जो कि क्या कहते हैं छेद करने के काम आता है, जो जाकर पड़ता है ना तो बिट अंदर होल करने के काम आता है दीवार के अंदर। ये देख सकते हैं इसके ऊपर भी ये पिस्टन है, और ये देख सकते हैं ये लॉन्ग गियर है, लॉन्ग गियर ये देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया लॉन्ग गियर। और इसके अंदर इसके होल में एक स्प्रिंग लगी रही थी, उसको भी आपको संभाल कर रखना है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। ये ड्राइव एंड शील है, इसको हम हमारी भाषा में लंगड़ा बेयरिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल देख सकते हैं, इसको भी हमने साइड पर रख दिया है। ये इसका स्मॉल गियर है, इसका स्मॉल गियर है यहाँ पर लगता है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। और ये पिस्टन और ये पिन है इसकी नीचे जो लगी है, आपको होल दिख रहा होगा, ये पिन अलग हो जाती है, पिस्टन के अंदर आपको ये लगाना है। ये देख सकते हैं ये इसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इसका सब सामान साइड पर रख देते हैं अच्छे से संभाल कर। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको चला कर देख लेंगे इसी टेस्ट करके क्या आएगा। इसके नीचे वाले पोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वो चेक कर लेते हैं इसके अंदर एक बार, वो चेक करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने वायर ली और हम इसको एक बार डायरेक्ट में चला कर देखेंगे। ऊपर से आपको इसको टाइट पकड़ना है और स्विच से चला कर देख लेना है, आपको ऊपर से टाइट पकड़ना है, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा चलते चलते में। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ये नीचे से इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वेयरिंग भी ठीक है इसके, बिल्कुल देख सकते हैं आप साउंड इसका, ये देख सकते हैं शार्प चल रही है इसकी, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ये। और ये हम देख सकते हैं इसका ऊपर एक अंदर वेयरिंग भी लगा रहता है 600 वाट का, बॉल वेयरिंग भी लगा रहता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं, मैंने आपको उसको उछका कर दिखा देता हूँ मैं कैसे उछकते निकलता है। ये सीधे एक माइनस वाला पिचकस लेना आपको, इसे इसको उछका कर बाहर निकाल लेना है आपको अगर इसको चेंज करना हो तो। ये अभी ठीक है तो मैं इसको यहीं पर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको साफ वूफ कर लेंगे। तो अब हम आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ इसके अंदर हम चेंज करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग ये स्मॉल गियर है, स्मॉल गियर को चेक करने का तरीका ये है कि इसके दांते तो नहीं टूटे हैं, ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हर जगह से ये दांते एक जैसे होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। क्या है कि ज़्यादातर ये क्या है कि टूट जाता है ये, तो अगर ये टूटता है तो आपका माउथ जो है ना वो जो घूम रहा होगा तो वो घूमना बंद कर देता है। अभी तो हमारा माउथ घूम रहा था तो ये बिल्कुल ठीक है। ये देख सकते हैं पिस्टन के ऊपर निशान है, बहुत घेरे के निशान है, तो ये इस कारण फंस रहा होगा चलने में। तो अभी हम इसको भी चेंज करने वाले हैं, न्यू चेंज करने वाले हैं इसको भी। अंदर से देख सकते हैं आप, अगर बाहर से ठीक हो तो अंदर से भी देख सकते हैं उंगली डालकर, ये अंदर से कट तो नहीं गया, ये देख सकते हैं ऊपर से ये ख़राब हो गया है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। तो ये है ड्राइव एंड चील, जैसे कि आपको मैंने बताया इसको हम लंगड़ा बेरिंग भी बोलते हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप, इसके अंदर दांते बने होते हैं, अंदर शार्प जो हमारी लॉन्ग गियर जो चलता है ये देख सकते हैं इसके अंदर दांते बने होते हैं। ये अगर कट जाते हैं तो इसके इस कारण भी हैमर करना कम कर देती है ये मशीन हमारी। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम दोनों से अलग अलग चीज ये देख सकते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग लगी रहती है जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी शॉफ्ट है, ये लॉन्ग गियर है, इसको हम लॉन्ग गियर बोलते हैं, टूथ हेड शॉप भी बोला जाता है इसको। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है ये भी। तो इसके आपको नीचे के दांते देख लेना है, अगर वो कटे हों तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके वीडियो में, ये देख सकते हैं ये जो कटे हुए हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लॉ क्या कहते हैं स्टिकनेस होना चाहिए इसके अंदर, ये कटे नहीं होने चाहिए, इसके अंदर चुपता हुआ होना चाहिए बिल्कुल। ये देख सकते हैं, ये हमने स्ट्राइकर लिया, स्ट्राइकर का आपको ओरिंग चेंज कर लेना है। कभी भी आप मशीन की सर्विसिंग के लिए खोले तो आपका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए आपको ये ओरिंग चेंज कर लेना है। स्ट्राइकर तो चेंज नहीं होता, स्ट्राइकर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो स्ट्राइकर का ओरिंग आपको चेंज कर लेना है। ये देख सकते हैं अभी हम इसको चेंज करके दिखा देंगे आपको आगे वीडियो में। ये देख सकते हैं ये इसका ओरिंग जो है, आपको ऐसे हाथ लगाकर आपको इसको चेक कर सकते हो, आपको फील होगा कि आपको थोड़ा सा ओरिंग भार है, ये देख सकते हैं। और अभी हम रैचेट चेक कर लेते हैं, रैचेट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका जो डंपिंग साइट है ये आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये माइनस वाले पेचकस से आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये डालकर दिखा देता हूँ। ये अंदर बाहर होता है, तो हमारा बिट अंदर बाहर होता है तो दीवार में होल करने के लिए इसको काम आता है, अच्छे से वर्क करता है ये दीवार में होल करने के लिए, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है ये। तो अभी हम देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है, रेचेट भी हमारा गियर भी बिल्कुल ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल गियर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या होता है ना, कभी कभी बहुत कमी से इसके गियर कटते हैं, बहुत ही रेयर बात होती है इसका गियर कटना, ज़्यादातर इसका डंपिंग सेट ही जाता है या फिर इसके अंदर आपका वेट फंस जाएगा तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका बिट नहीं निकल सकता है तो आपको, अगर आपके अंदर आपकी मशीन में इसका बिट फंस गया है तो मैं आपको एक प्रॉपरली वीडियो बनाकर दे दूंगा कि इस रैचेट में से आपका बिट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं आप, वो डंपिंग सेट आपको निकालना पड़ता है पहले। तो अभी हम, मैं यहाँ साफ माफ कर लेता हूँ थोड़ा। तो अभी हम न्यू दो चीज़ें चेंज करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो हम चीज़ें चेंज करने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें हम इसकी चेंज करने वाले हैं, पिस्टन और ये इसका स्ट्राइकर का ओरिंग, ये देख सकते हैं। अभी हम इसको न्यू ले लेते हैं, तो अभी आपको डालकर दिखा देते हैं आराम से बिल्कुल। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में कहीं नहीं जाना है आपको। ये हमने ले लिया है, ये न्यू पिस्टन ले लिया है, ये देख सकते हैं। ओल्ड पिस्टन भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये पुराना पिस्टन है और ये स्ट्राइकर है, और ये जो ओरिंग हमने बताया दिखाया था आपको, ये ओरिंग है, ये देख सकते हैं ये ओरिंग इसके ऊपर लगेगा। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको लगाना है बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें जब भी आप सीख पाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप कुछ आड़ा टेढ़ा कर दें, उल्टा सीधा भी कर सकते हैं आप। वीडियो में देखकर करते जाएं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से। ये देख सकते हैं इसकी मैंने पिन निकाल दी है, इसके अंदर दो वॉशर भी लगे रहते हैं, ये दो वॉशर इसके अंदर लगे रहते हैं, देख सकते हैं। ये मैंने वॉशर यहाँ पे लगाया पहले पिस्टन के अंदर, और ये पिन डाल दी, एक वॉशर इस साइड जाएगा, एक वॉशर एक वाली लेग पर जाएगा और एक वॉशर दूसरी वाली लेग पर जाएगा,
पिस्टन की, ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीच में बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, होल देखना चाहिए जहाँ पे हमारा ड्राइव एंड शीट की शॉफ्ट डलेगी अंदर। ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ड्राइव एंड शीट उठाते हैं, इसके अंदर ड्राइव एंड शीट की शॉफ्ट लगेगी सॉरी। तो ये देख सकते हैं अभी हम इसका ओरिंग भी चेंज कर लेते हैं। आपको एक पतला माइनस वाला पेचकस लेना है, पतला वाला माइनस पेचकस लेना है आपको, और इसके अंदर आपको क्या लेना है, इसके अंदर फंसाकर आपको इसका ओरिंग बाहर कर लेना है। ये देख सकते हैं मैंने माइनस वाला पेचकस पतला लिया, छोटा वाला टेस्टर भी ले सकते हो आप। तो इसको हम लगा कर निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं। अभी हम इसको भी पिना लेते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल ईजिली आपको ऐसे ही जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको इसको बिठाने लगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली, आप इस पर हाथ फेर कर भी देख सकते हैं, आपको फील होगा कि ओरिंग हल्का सा बाहर है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर टाइट जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा टाइट भी नहीं जाएगा, अंदर बाहर होने में थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, प्रेशर बनाने में इसी चीज़ का काम होता है, पिस्टन का और ओरिंग का। और स्ट्राइकर जो होता है हमारा वो क्या कहते हैं होल करने के लिए काम आता है, दीवार के अंदर, दीवार के अंदर जो पंच करता है ना वो हमारा काम आता है इस चीज़ में। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रीस लगा लेंगे, ये वाशर इधर उधर ना भागे इसलिए हम इसके ऊपर ग्रीस लगा लेंगे, और पिस्टन के ऊपर भी हम ग्रीस लगा लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं हमने वाशरों को वहीं पर ही रोक दिया है, आजू बाजू एक दूसरी वाली लेग पर एक सामने वाली लेग पर, ये देख सकते हैं हमने ग्रीस लगा दिया है। अब हम इसके अंदर भी ग्रीस लगा देंगे, अच्छे से ग्रीस कर देंगे इसके अंदर भी, ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से अंदर से आपको इसके अंदर ग्रीस कर लेना है, और ऊपर से भी आपको एक बार ग्रीस कर लेना है इसके ऊपर। ये देख सकते हैं मैं ऊपर से भी ग्रीस लगा देता हूँ मैं इसके अंदर, और ऊपर से भी आपको इसके अंदर ग्रीस से लगा देना है, नहीं तो क्या होगा ना, अंदर डालने के बाद ये इसके अंदर ग्रीस नहीं जा पाएगा तो फिर दिक्कत जाएगी आपको, तो आप पहले ही इसके अंदर ग्रीस लगा लें। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर होल में डालेंगे, इसका जो होल दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप इसके सामने जो होल अंदर पिन का जो होल है वो आपको बिल्कुल सामने ही रखना है, फ्रंट साइड पर, जिसमें आपका ड्राइव एंड चील की शॉफ्ट डलेगी, लंगड़े वेलिंग की शॉफ्ट डलेगी अंदर। ये देख सकते हैं बिल्कुल सामने आ गया उसका होल, और हम क्या करेंगे, ड्राइव एंड की शील की शॉफ्ट इसके अंदर डालेंगे, ये देख सकते हैं। और एक साइड से आपको स्मॉल गेट उठाना है, इससे एक साइड से आपको इसको टेपर मिलेगा, एक साइड से उसको थोड़ा सा प्लेन मिलेगा, तो आपको टेपर वाले साइड पर लगाना है। ये देख सकते हैं टेपर वाले साइड से इसके बेयरिंग के ऊपर रख देना है। और अब हम क्या करेंगे, ड्राइव एंड शील्ड डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उस होल के अंदर ड्राइव एंड शील्ड को बिठा देंगे, देख सकते हैं मैंने बिठा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लॉन्ग गियर लेंगे, लॉन्ग गियर को हम इसके अंदर लगा देंगे, लॉन्ग गियर को भी हम लगा देते हैं, ये देख सकते हैं इसके अंदर लॉन्ग गियर लगा दिया हम। अब ये ड्राइव एंड चील और स्मॉल गियर कहीं नहीं जाएगा लॉन्ग गियर लगने के बाद, ये देख सकते हैं आपको इसको घुमाकर इसको अच्छे से इसके ब्रैकेट में बिठा देना है। देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने बिठा दिया अच्छे से, बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, बिल्कुल अंदर बैठना चाहिए ये, ये देख सकते हैं बैठ गया बिल्कुल। और अब हम इसकी अंदर जो स्प्रिंग लगती है उस स्प्रिंग को भी हम लगा लेते हैं, ये देख सकते हैं हमने स्प्रिंग भी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्ट्राइकर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे स्ट्राइकर पर, स्ट्राइकर पर ग्रीस लगाने के बाद इसके अंदर पिस्टन के अंदर स्ट्राइकर को डाल देंगे, ये देख सकते हैं हम स्ट्राइकर के ऊपर ग्रीस लगा रहे हैं, स्ट्राइकर पर ग्रीस लगाकर आपको इसके पिस्टन के अंदर बिठा देना है इसको अच्छे से, ये देख सकते हैं। और आपको इसके ऊपर से भी अंदर अच्छा ऊपर से भी आपको ग्रीस लगा लेना अंदर बिठाने के बाद स्ट्राइकर को, ये देख सकते हैं मैं ग्रीस लगा कर दिखा रहा हूँ आपको मैं, और आई टू साइड से भी आप ग्रीस लगा सकते हैं अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका रेचिट ले लेंगे, रेचिट लगा कर इसको रेचिट लगा लेंगे पहले, और उसके बाद जो है लॉन्ग गियर की पिन लगाएंगे हम। ये देख सकते हैं रेचिट हमने लगा लिया है, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से रेचिट हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसकी शॉफ ये कहते हैं पिन रहती है, पिन के ऊपर एक वॉशर डलता है, फिर निडल बेयरिंग डलता है, फिर एक वॉशर डलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डलता है ये, ये देख सकते हैं ये लॉन्ग है, लॉन्ग एक तरफ से छोटा होगा और एक तरफ से लंबा होगा, तो आपको छोटा साइड जो है वो ऊपर साइड रखना है, और लंबा साइड लंबी जगह जो है वो आपको लॉन्ग गियर के अंदर डालना है, ये देख सकते हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, एक वॉशर अंदर लगा होगा और ये देख सकते हैं हम इसके अंदर बिठा देंगे ऐसे, ऐसे हम सीधे करके बिठा देंगे,
और हल्का सा ऊपर से ठोकेंगे तो इसको बिल्कुल इजीली अंदर बैठ जाएगा ये। बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या करना है। इसको अंदर एक वाशर फंसा हुआ है तो हम उस वाशर को बाहर निकाल लेते हैं, ये देख सकते हैं, इसलिए इस कारण नहीं बैठ रहा था ये, तो मैं भूल गया था। इस मैं आपको दिखा देता हूँ, एक वाशर लगता है जैसे कि मैं आपको पिन पर बताया था, एक वाशर पिन पर लगता है और उसके बाद निडल बेयरिंग लगता है, उसके बाद एक और वाशर लगता है, ये देख सकते हैं हम ऊपर से भी वाशर लगा देते हैं, एक नीचे वाशर पहले से ही लगा हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बिठा लेंगे, ये देख सकते हैं बिल्कुल ईजिली बैठ गया ये, बिल्कुल ईजिली परफेक्टली बैठ गया ये। तो वाशर के चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था ये, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर चारों स्क्रू कस लेते हैं, इसके माइनस वाले पेचकस से चारों हम इसके स्क्रू कस लेते हैं। स्क्रू डालने के बाद स्क्रू सब कस लेते हैं। तो जब तक हम इसके स्क्रू कस रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर कर दें और आप हमें कमेंट करके बताएं आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो हम उस चीज़ पर वीडियो आपके लिए ला कर देंगे। तो हमने इसको बिल्कुल परफेक्टली तरीके से कस दिया है, तो अब हम इसको एक बार चला कर देख लेते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से चल रही है, बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, देख सकते हैं आप वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल साउंड भी इसका क्लियर आ रहा है। अभी आपको मैं इसके अंदर चला कर भी दिखा दूंगा एक बार कि ये बिल्कुल परफेक्टली तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से काम कर रही है। अभी हम इसको एक बार अंदर से पेचकस डालकर इसको देख लेते हैं कि ये शादी हो रही है नहीं हो रही। ये देख सकते हैं ये ड्रिल मशीन हो रही है और ये ड्रिल मशीन हो गई और अब ये है हमारी जो चलाएंगे हैमर हो जाएगी। और अब आपको कर लेना है इसके अंदर बॉल ऐड कर लेना है, जो मैंने आपको छोटी वाली बॉल दिखाई थी नॉम निकालने के बाद, इसको बॉल को लगाकर आपको अंदर साइड दिखा देना है। इसके अंदर लॉन्ग शाफ्ट के अंदर यहाँ से लॉन्ग शाफ्ट दिखती है हल्की सी, तो उसका मुंह दिखता है यहाँ से नीचे का, तो उसको आपको अंदर दगा देना है, तो आप वहाँ जाके आपका बॉल बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं अंदर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं बिल्कुल साइड में जाकर बैठ गया हमारे बॉल। और आपको इसकी नॉप लगा लेना है, नॉप लगाने के बाद ऊपर से हल्का सा टोकना है तो बिल्कुल ईजिली बैठ जाएगी आपकी नॉप, देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से चल रहा है। वहाँ से ड्रिल मशीन भी हो रही है और यहाँ से हैमर भी हो रही है। हैमर मोड पर रखेंगे तो हैमर हो जाएगी और ड्रिल मशीन मोड पर रखेंगे तो ड्रिल मशीन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका माउस किट लगा लेंगे। माउस किट लगाने के बाद आपको दिखा देता हूँ मैं, सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसका स्प्रिंग लगा लेना है और वॉशर इसका टेपर में रहता है तो टेपर साइड जो है आपको अंदर करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं, अगर आप भूल भी जाएं तो वीडियो में देखकर आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, जिसने स्किप नहीं करी होगी वो बिल्कुल परफेक्टली सीखेगा। और अभी हम देख सकते हैं ये बॉल हमने डाल दी है, जो हमारा जो होता है बिट फंसाने के काम आती है, जो हमारा बिट फंसता है ना वो ये इस बॉल के अंदर ही जाके फंसता है, छर्रे के अंदर, इसको हम छर्रा भी बोल सकते हैं। ये बेयरिंग के अंदर से ही निकलता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग छर्रा होता है, तो इस कारण मैं कह रहा था आपसे इसको संभाल के रखने के लिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, माउस किट पूरा चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की माउस लगा लेंगे। माउस लगाने के बाद ये हम इसका गियर जो लॉक है वो हम बिठा लेते हैं, माइनस वाला पेचकस ले लेना है और इसको आपको बड़ी सावधानी से बिठाना है, नहीं तो आपके हाथ में लग भी सकती है, चोट भी आ सकती है आपको। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको बिठा दिया है। एक साइड से पहले आपको बिठा लेना है, एक साइड से आपको बिठाल कर और दूसरे साइड से स्लाइड करते हुए लेके चलना है, तो ये बिल्कुल ईजिली बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल ईजिली बैठ गया ये, मैंने आपको जैसे कि वीडियो में दिखाया, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो में देख कर समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर वाली रबर लगा लेंगे। रबर ऐसी बैठ जाती है बिल्कुल आराम से, इजीली बैठ जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी करके बैठना पड़ती है तो रबर इजीली बैठ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और चलाकर देख लेते हैं बिल्कुल परफेक्टली चल रही है नहीं चल रही। अभी हम इसके अंदर बिट लगाकर भी आपको चलाकर दिखा देंगे एक बार। ये देख सकते हैं मैं आपको इसके अंदर बिट लगाकर भी एक बार चलाकर दिखा देता हूँ। ये मैंने बिट लिया है, ये हम दीवार पर नहीं चला कर दिखाएंगे, इसको हम इसी चला कर दिखा देंगे आपको हमारे बोर्ड पर, हमारे जो गट्टा होगा उसके ऊपर हम चला कर दिखा देंगे कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि ये हमारा बिट जो है वो ख़राब है, हम सिर्फ चेक करने के लिए देते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल कैसे उचक रही है हमारी मशीन और ये नीचे जो गट्टा है वो बिल्कुल परफेक्टली उचक रहा है। ये देख सकते हैं अंदर बाहर हो रहा है बिट, यही इसका यही चीज़ होती है इसके अंदर चेक करने वाली, अंदर बाहर होना चाहिए हमारा वेट,
अंदर बाहर होना चाहिए और घूमना भी चाहिए, कहीं फंसना नहीं चाहिए। तो आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको वीडियो लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और हम और किस चीज़ पर वीडियो बनाएं आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम उस चीज़ पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा वीडियो में लेट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चैनल पर बने रहें, ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस।